नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग विद शुभांगी में। और आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की चटनी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमने ये सभी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले हम लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्ची, सूखी हुई काचरी और थोड़ा सा पानी को मिक्स करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने पर हम इसमें हींग और जीरे का छौंक लगाकर हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसको हम इसमें भून लेंगे। अब हम इसमें नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया को मिक्स कर देंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हमने जो आधा कटोरी पानी लिया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारी चटनी में से तेल अलग हो गया है, मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन की चटनी बिल्कुल तैयार है और हम इसे 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी चटनी कैसी बनी। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।